सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो वीडियो तो आपने देख लिया है कि किस तरह का जो है मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ। तो अगर इस तरह से ब्लर इफेक्ट वीडियो आप भी बनाने के लिए मेरे वीडियो पे क्लिक किया है तो एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस तरह का ब्लर इफेक्ट वीडियो जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है आने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से अगर आप इमेज को आप क्रिएट नहीं किए हैं अब तक तो क्रिएट कर लीजिए। मैं अपना वीडियो अभी काफ़ी बनाकर मैं अपने YouTube पे डाला हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देखकर इस तरह का इमेज बनाने के लिए सीख जाएंगे। सिंपली अब क्या करना है दोस्तों, ब्लर इफेक्ट वीडियो को कैसे बनाना है। जैसे कि आपने मेरा वीडियो अभी देखा कुछ ब्लर इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैसे किया था, तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VN ऐप, तो आपको VN ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली पहले VN ऐप को ओपन कर लेना है। एंड VN को ओपन करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी फोटो का आप ब्लर इफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। तो मैं तो क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस वाले फ़ोटो को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका ब्लर इफेक्ट वीडियो बना कर सिखाता हूँ किस तरह से ब्लर इफेक्ट वीडियो बनेगा। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर आना है। एंड इसका लोगो आएगा, उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। एंड क्या करना है, आपको वीडियो को साइज बढ़ाना है। तो इस तरह से वीडियो साइज आप जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड का बना लें। तो मैं तो इसको 12 सेकंड का कर लिया हूँ दोस्तों। एंड आप अपने हिसाब से वीडियो साइज बढ़ा सकते हैं। एंड इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपको ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे सेकंड वाला टिकटॉक वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको आप नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर राइट साइड आना है। एंड यहाँ पर बीजी का ऑप्शन दिखेगा, आपको बीजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को जो है छोटा कर लेना है कुछ इस तरीका से। तो इतना करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ब्लर वाला ऑप्शन दिखेगा, जो बैकग्राउंड जो आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं अपने हिसाब से बैकग्राउंड को ब्लर कर लें। तो मैं इतना ब्लर रखने वाला हूँ। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद इस वीडियो को पहले आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा ऊपर में, इसको इस पर क्लिक करें एंड अपना जो वीडियो है उसको एक्सपोर्ट कर लें। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद पहले तो इस वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ। एंड आपको आप बताता हूँ कि इसमें ब्लर इफेक्ट वीडियो कैसे डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीका है दोस्तों बताने के लिए। तो सबसे पहले तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। एंड अब आपको बताता हूँ कि ब्लर इफेक्ट वीडियो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि ब्लर इफेक्ट कैसे डालें। तो अब मेरा ये फोटो वीडियो है वो सेव हो चुका है। एंड इतना करने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है दोस्तों। एंड आपको एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे कैपकट आपको दिख रहा होगा, तो कैपकट को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। बस कुछ नहीं, सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन करके रहने दीजिए। एंड इतना करने के बाद क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। एंड गूगल में जाने के बाद क्या करना है, आपको सर्च कर लेना है ओम एडिटिंग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं सर्च किया हूँ ओम एडिटिंग। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा एंड यहाँ पे कैपकट टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे यूज टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, कुछ सेकंड वेट करना है। एंड क्या करना है दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन रहेगा यूज टेम्पलेट का, इस पर क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद जो भी आप अभी वीडियो VN ऐप से जो थी बनाए थे उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं तो ये वाला वीडियो को जो है बनाया था तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसमें ब्लर इफेक्ट डालता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करना है। एंड आपका जो वीडियो है इस तरह से जो है आपका बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर क्लिक कर लेना है। एंड आपका जो वीडियो है ब्लर इफेक्ट बनकर जो है रेडी हो गया है। एंड आपका अब एक्सपोर्ट होना है, यानी कि आपके गैलरी में सेव हो रहा है। तो आपका ब्लर इफेक्ट वीडियो तो बन चुका है दोस्तों। एंड इतना करने के बाद इसको अब सेव हो रहा है। तो सेव होने के बाद बताता हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो बना या नहीं। तो अभी तक मैंने चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को जो है सेव हो जाने दो, उसके बाद बताता हूँ कि जो मेरा जो वीडियो है वो बना या नहीं, बढ़िया से बना या नहीं। मेरा वीडियो जो है वो बनकर गैलरी में सेव हो गया है दोस्तों। एंड आपको बताता हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो क्रिएट हुआ या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सिंपली मैं अपना जो वीडियो अभी बनाया है उस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि जो मेरा वीडियो हुआ वो ब्लर इफेक्ट एडिट हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस,
सो आप तो देख लिया दोस्तों, जो मेरा वीडियो है वो क्रिएट हो गया है, वो भी बहुत कम समय में ही, जो आपको भी आशा करता हूँ कि सीख गए हो। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना है, ब्लर इफेक्ट वीडियो को एडिट कर लेना है, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।